शनिवार को पुलिस महानिदेशक अजमेर में क्राइम कंट्रोल मीटिंग ले रहे थे। वहीं दो थाना क्षेत्रों में हुई लाखों रुपए की चोरी के बाद पीड़ित परिवार चोरों के साथ पुलिस को कोस रहे थे। पीड़ितों के मुताबिक पुलिस की लापरवाही चोरों के हौसले बढ़ा रही है। पहली वारदात सदर कोतवाली थाना अंतर्गत हाथीभाटा इलाके में घटी, जहां शातिर चोरों ने एक सूने मकान में वारदात को अंजाम देते हुए 10 लाख रुपए से अधिक के गहने और 45,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाथीभाटा में रहने वाले नरेंद्र सिंह शुक्रवार को पुष्कर के नजदीक गोविंदगढ़ में अपनी मां के निधन पर परिवार सहित गए थे। इसी बीच चोरों ने मकान का ताला तोड़कर कमरे में रखे 30 तोला सोने के जेवर और 1.5 किलो चांदी सहित 45,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। नरेंद्र सिंह को वारदात की खबर शनिवार सुबह पड़ोसियों से मिली। नरेंद्र ने बताया कि उसके परिवार में 7 मई को भतीजे की शादी होने वाली है, इसी के चलते जेवरात और नकदी घर में रखी थी। पीछे से गांव में गमी होने की वजह से वह परिवार सहित अचानक गोविंदगढ़ चले गए। वहीं चोरी की इतनी बड़ी घटना होने के बाद सदर कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा बनाकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। वारदात भैया मेरे माताजी एक्सपायर हो गई थी, जो मैं गया हुआ था वो 4 तारीख की मेरे भतीजे की और 7 तारीख की मेरे भतीजे की शादी थी। तो मैं कल दिन को गया था और रात को या दिन को कब ताले टूटे ये पता नहीं है, मेरे को आज फोन आया कि ताले टूट गए हैं। करीब मेरे यहाँ से 30 तोला सोना और करीब 1.5 किलो चांदी और 45,000 रुपये कैश ये निकल गए। घर में आते देखा तो और सब जगह सही था, एक खाली घर में मेरे एक ही अलमारी को मेरे वाले रूम को छेड़ा है और किसी रूम को नहीं छेड़ा उसने। ताला उसने मतलब अंदर का लोकर बिल्कुल तोड़ नष्ट वष्ट कर दिया उसने और हिसाब से तोड़ा है कि उसने कि बिल्कुल सस्ती का कर दिया उसको। हमारे चोरी हो गई, मतलब काफी ज्यादा गोल्ड गया हुआ है, काफी ज्यादा सिल्वर गई है और 45,000 नगद गए। हम लोग गाँव गए हुए थे तो हम लोग कल मम्मी जी एक्सपायर हो गए तो कल हम लोग 12:30 बजे यहाँ से निकल गए थे। तो उसके बाद आज हमारे को किसी ने सूचना दी कि आपके घर में चोरी हो गई है, तो हैंडपम्प हम रवाना हुए वहाँ से। तो यहाँ पहुँचा तो यहाँ सब सामान अस्त व्यस्त था, फिर हाथों हाथ पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस भी आई, उन्होंने मौका मुआयना किया, अब देखा सामान सारा गया। इसी तरह कृष्णगंज थाना अंतर्गत लगातार हो रही चोरी की वारदातों में शनिवार को एक वारदात और जुड़ गई, जब शातिर चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर करीब 2 लाख रुपए के जेवरात और 25,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक श्याम सुंदर राठी की पत्नी रेनू ने चोरी की जानकारी देते हुए बताया, रात को अचानक हम तो 12:30 बजे बच्चा ताला लगा के गया था, बच्चे ने पढ़ाई करता है बच्चा, ताला लगा के गया था पीछे आराम से और वो सो गया जाके, और हमने वापस वो हमने हमारा कमरा लॉक कर लिया। हमने उस दिन चेक नहीं किया, हमेशा हम चेक करते हैं, तो हम बच्चे को बता रखे थे कि बच्चे बेटा ऐसे ताला लगा के आ जाया करो, तो ताला लगा के चेक करके गया था। उसने भी बोला था मम्मी मैंने अच्छी तरह से ताला चेक किया था, अच्छी तरह लगाया था। सवेरे जब ये उठे 4 बजे उठे थे फ्रेश होने के लिए, 4 बजे उठे तो इन्होंने उनको पता ही नहीं है कि कमरा तो बंद था, तो उनको पता नहीं, वापस सो गए अपनी जगह पे। वापस ये 5:30 बजे उठे, देखा तो इन्हें लॉक खुला है, कूटा लगा हुआ है और लॉक खुला है, तो उनको शक आया कि ये लॉक खुला कैसे रह गया, तो सोचा कि बच्चे ने या तो खुला छोड़ दिया होगा इन्होंने, तो इस चक्कर से खुला रह गया होगा। फिर बाद में इन्होंने अपनी वो साइकिलिंग करते हैं, जो साइकिलिंग करने लग गए, पापा हमेशा घूमने जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, इस रूम से यहाँ से इधर गए थे, आराम से कपड़े चेंज करें, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था सामान रूम में, कुछ भी नहीं था, सब अपनी अपनी जगह पे सामान था, अलमारी सब बंद थी, चोर ने अलमारी पूरी बंद करी है, पूरी ताला मतलब ताला नहीं लगाया, चाबी सिर्फ उसमें वहीं रख दी, चाबी जिस जगह से चाबी उठाई थी उसी जगह चाबी रख दी, अलमारी ताला मतलब कर दिया। हमारे 6 तोला तो गोल्ड था, तो इसमें एक मंगलसूत्र, 3 रिंग्स थी और इयररिंग्स थे, एक जोड़ी इयररिंग्स थे बड़े बड़े, और 25,000 रुपए कैश थे, और एक चांदी की पायल थी भारी थी, और चांदी का जग और ट्रे था वो नहीं लेके गए, वो भी रोकर में ही थे।